हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राजेश अजक्स मास्टर में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज का इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जो अपना ड्रम रहता है उसका रिवर्स लोडिंग अनलोडिंग प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं है किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए चलते हैं। तो देखिए, मैं अभी आपके सामने ड्रम को घुमा के दिखाता हूँ, मिक्सिंग और अनलोडिंग। तो गाइस, मिक्सिंग तो के बटन स्विच तो काम कर रहा है लेकिन अनलोडिंग का काम नहीं कर रहा है। देखिए, अभी अनलोडिंग करूँगा तो ये काम नहीं करेगा, मिक्सिंग ही काम कर रहा है। तो गाइस, बिना स्विच को बदले मैं आज आपको बताऊंगा इसको कैसे चेक करेंगे कि स्विच ख़राब है तो स्विच को बदलना है कि नहीं, कि प्रॉब्लम कहाँ से। तो गाइस, चलिए मैं आपको इंजन की तरफ लेके चलता हूँ। आप देख सकते हैं कि ऊपर जा रहा हूँ। तो ऊपर इंजन पे जाने के बाद देखिए, आपको यहाँ पे एक सोनालाइट लगी मिलेगी, मैग्नेट जो ड्रम का रहता है। यहाँ पे ये ऊपर से भी दबता है और नीचे से भी दबता है। तो ऊपर से दबाएंगे तो ड्रम मिक्सिंग होता है और नीचे से दबाएंगे तो अनलोडिंग होता है। तो गाइस, अगर यहाँ पे इसको खोल के देखूँगा मैं, अगर यहाँ पे बराबर काम कर रहा है दबाने से तो इसमें कचरा आ गया है। इसको एक बार साफ करेंगे मैग्नेट को। अगर इसको मैग्नेट को साफ करने से अगर अच्छा काम करने लगता है पूरा बराबर तो इसको साफ करके छोड़ देंगे। और गाइस, अगर इसको साफ करने से अगर ये काम नहीं कर रहा है तो फिर स्विच को चेंज करना पड़ेगा। और स्विच को चेंज कैसे करते हैं उसका वीडियो में बाद में अपलोड कर दूंगा, तो आप उसको देख के स्विच चेंज कर सकते हैं। तो गाइस, अभी मैंने देखा है मशीन गर्म थी तो अब थोड़ी ठंडी करने के बाद अब देखिए आपको खोल के साफ करके दिखाता हूँ। तो गाइस देखिए, मशीन ठंडा हो चुका है, मैं आ गया हूँ। तो इसको खोल रहा हूँ मैग्नेट को, ये ऊपर का कैप खोल दिया है, देखिए खोल के अलग रख दिया। इसको निकालूंगा ऊपर से और नीचे से, दोनों तरफ से निकाल के खोल के फिर इसको साफ करके लगा देंगे तो ये बराबर काम करने लगेगा। अगर इसके अंदर कचरा या पानी आ गया होगा, कार्बन आ रहा होगा, तो अगर यहाँ पे सब सही है, कार्बन आ नहीं आ रहा है और प्रॉब्लम कर रहा है तो फिर स्विच चेंज करना पड़ेगा। तो गाइस, मैं देखिए यहाँ पे ऊपर का मैग्नेट खोल लिया है और नीचे का भी खोलूँगा। इसको जरा साफ कर लूँ थोड़ा। वीडियो को अंत तक देखते रहिए, आपके सामने ही ड्रम को घुमा के दिखाऊंगा। बिल्कुल भी नहीं घूम रहा था, आपको पहले बताया था मैंने। ये देखिए, यहाँ पे मैग्नेट को साफ, सोनोलाइट को साफ कर लिया है। इसको भी अंदर बढ़िया स्क्रू ड्राइवर पेचकस में कपड़ा बांध के फिर इसको साफ करने से एकदम साफ हो जाएगा अंदर का। और इसको साफ करने के बाद फिर इसमें लगा देंगे और उसको भी लगा देंगे, दोनों को लगाने के बाद। तो मेरा गाइस ऊपर का ही प्रॉब्लम कर रहा था, ऊपर का खोल के साफ कर लिया है मैंने। देखिए, आपके सामने लगा रहा हूँ, ये लगा दिया है। अब इसका कैप लगा दूँगा, इसका कैप लगा रहा हूँ। चलिए गाइस, इसका कैप लग चुका है, अब चलते हैं मशीन चालू करके देखते हैं। ये देखिए, इसको लगा दिया है। तो अब मशीन चालू कर लिया, अब देखिए इसको घूम गया है, मिक्सिंग हो रहा है। नीचे करूँगा तो ये देखिए, अब नीचे को भी घूमने लगा है, यानी कि अनलोडिंग भी होने लगा है। तो गाइस, यहाँ से इसका प्रॉब्लम सही हो चुका है। अगर गाइस इस ये करने के बाद भी अगर आपका प्रॉब्लम सही नहीं हो रहा है तो मैं वीडियो डाल दूंगा, आप इसका फिर स्विच चेंज करने पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।